एक रचना जो मुझे लगता है कि मैंने खुद के लिए ही लिखी है, तेरे जैसी मैं कविता। उलझे से बेतरतीब बाल खुले रखे हैं मैंने, उलझे से बेतरतीब बाल खुले छोड़ रखे हैं मैंने, बिंदी कभी लगाती हूँ कभी यूं ही छोड़ देती हूँ। लाली कंगन पायल झुमके बिछवे सब है सहेजे, मैं बिल्कुल अपनी कविता सी हूँ, या मुझे लगता है कविता संभवता मुझे ही गढ़ती है। मेरे जीवन में अतुकांत सी चली आती है, मेरे जीवन में अतुकांत सी चली आती है, कभी भी कहीं से निकल पड़ती है, ना चूल्हा देखती है ना चौका देखती है, मेरे बच्चे के दूध के दांत में भी दिख जाती है मुझे मेरी कविता। छंद अलंकार विन्यास सब छोड़कर सरपट भागती है और गंतव्य जाकर ही ठहरती है। ऐसा भी नहीं है कि देखो मैं सजती नहीं, ऐसा भी नहीं है कि देखो मैं सजती नहीं। सुनो, जब अपने बालों को उंगलियों से मैं सुलझाती हूँ, तब मात्राओं के गुणन भाग में भी रच जाती है मेरी कविताएं। फिर सारे श्रृंगार अलंकार करते हैं मेरा, फिर सारे श्रृंगार अलंकार करते हैं मेरा, और आंगन को लीपते हुए गूढ़ अर्थ ढूंढते हैं, आंगन को लीपते हुए गूढ़ अर्थ ढूंढते हैं, शब्दों का चयन करते हैं, जैसे पूरी जिंदगी मैंने अपने घर को करीने से सजाने में लगा दी है। ठीक फिर वैसे ही बन जाती है मेरी कविता। एक ही खाने से जायका ना बिगड़े, एक ही खाने से जायका ना बिगड़े, रोज की थाली में भात दाल क्या परोसे, जरा आस परोस पका है क्या, वो भी सीख के कभी कभी पका कर हांडी से स्वयं छान कर अलग अलग स्वाद चखने को देती है मेरी कविता। और प्याज के साथ में सिकी रोटी वो छनिका कभी छप्पन भोग परोसती है मेरी कविता। कई रातों की नींद खोकर तुकांत भी बनाती, कई रातों की नींद खोकर तुकांत भी बनाती, जैसे अपने प्रेमी से मिलने के 100 जतन और बहाने बनाती, और फिर जाकर मेरे भावों को रचती है मेरी कविता। खूब हंसती है कभी कभी बिना बात के, खूब हंसती है बिना बात के, कभी कभी शिवजी का प्रसाद मिला हो जैसे, मदहोशी के भंवर में हास्य के साथ मेरी कटाक्ष भी झगड़ती, मत पूछो क्या क्या होता, फिर से मुझे तरोताजा कर जाती, कभी मुलायम कभी अकड़ती, कभी बिना बात के भी गरज बरसती, गुर्राती है जोरों से, हाँ गुर्राती है जोरों से, घर से बाहर जब वो निकलती चीखती है वो भूखों पर, सिस्टम पर, धरती पर भरी ज्ञान की बिसातों पर, और रत्ती पर भी भाव नहीं मिलता मेरी कविता को, कभी मिल भी जाए तो वो नहीं लेती, दाता है भड़के देता है जब वो मदद करती है, और खूब प्रयास भी करती है मेरी कविता। और चिथरों में लिपटे काया को देखकर सड़कों पर, चित्रों में लिपटे काया को देखकर सड़कों पर वेदना से भर जाती है, कोसती है ईश्वर को ना कुछ कर पाने की अपनी असमर्थता को, तब रो पड़ती है और सोचती है कुछ नहीं कर पाती तो हृदय मलिन क्यों होता मेरा, ना होती जर्जर मैं और मेरी कविता।